नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और मैं हूं आपके साथ भारतीय उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का फैसला, जल्द सरकार का नेतृत्व करेगा मुल्ला बरादर, छपवाए कई बैनर पोस्टर्स। जुम्मे की नमाज के बाद सरकार का हो सकता है ऐलान, कर दिया जाएगा पंजशीर में खदेड़े जा रहे हैं तालिबान। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सीना हुआ चौड़ा, हाई जंप में प्रवीण कुमार ने सिल्वर किया हासिल, तो गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने कांस्य जीत कर किया डबल धमाल। शटल कृष्णा नागर को मिली बड़ी कामयाबी, सिंगल्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। दूसरी तरफ तरुण ढिल्लों भी बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। सिंगर हनी सिंह के खिलाफ 30,000 कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने घरेलू हिंसा का दर्ज कराया है मामला। यूपी के बरेली में एक छात्रा, एमबीए की छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर लगाया स्कॉलरशिप हड़पने का आरोप, कहा मामले को दबाने को लेकर कॉलेज स्टाफ बना रहा है दबाव और दे रहा है धमकी। शाहजहांपुर में बीएसएफ जवानों को ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, मामले को लेकर प्रशासन में मचा हड़कंप, सूझबूझ से टला हादसा, जम्मू से बंगाल जा रही थी आर्मी स्पेशल ट्रेन। बिजनौर के हल्दौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, चोरी करने के इरादे से घर में घुसे तीन नकाबपोश, बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर वृद्ध महिला को किया घायल, शोर मचाने पर हथियार छोड़कर हुए फरार। यूपी के कानपुर में कथित भाजपा नेता ने डीसीएम चालक को पीटा, नो एंट्री की बात कर पुलिस को भी दबाव में लेने का किया प्रयास। गुरुग्राम में साइबर सिटी में चोरों का आतंक, एक ही रात में 12 दुकानों के ताले तोड़े, तीसरी आंख में कैद हुए चोर, हजारों का कीमती सामान चोरी कर रफू चक्कर हुए। जयपुर में कई मांगों को लेकर बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। कोतवाली में पैसों को लेकर विवाद में चालक ने बेरहमी से कुचला युवक, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अजमेर के पिसागन के फतेहपुरा में घर घर बांटे गए औषधीय पौधे, सरपंच सीमा चौधरी ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की अपील। गिरोह के माउंट आबू के टोल नाके पर गड़बड़ झाला आया सामने, पालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने किया औचक निरीक्षण, एक नंबर काउंटर में टिकट के मुताबिक नहीं मिले पैसे। चूरू के सादुलपुर में झुग्गियों की बस्ती में भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी, खाना बनाने के पड़े लाले, नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। भीलवाड़ा के कोटड़ी में शिक्षा विभाग बना घोटालों का अड्डा, स्कॉलरशिप के नाम पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर बनाए दूसरे छात्रों के दस्तावेज। सीकर के फतेहपुर में नंदियों का किया गया पूजन, लगाया 56 व्यंजनों का भोग, 3 साल की आयु होने पर होगा विवाह। अजमेर के नागेलाव में ग्रामीणों की सजगता से चली लूट, बाइक सवार लुटेरों का पाली के कास तक किया पीछा, सीसीटीवी में कैद, घटना के आधार पर धरे गए बदमाश। अजमेर के पिसांगन के फतेहपुरा में आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ, गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे ग्रामीण। झालावाड़ के उन्हेल के बेड़ला गांव में जहरीले कीड़े की काटने से व्यक्ति की हुई मौत, खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गया था मृतक। जोधपुर में ऊंटगाड़ी में बना पुस्तकालय, रूम टू रीड के रीडिंग कैंपेन ने की शुरुआत, अनोखी लाइब्रेरी को लेकर उत्साहित हैं लोग। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजकीय विद्यालय में बांटे गए औषधीय पौधे, तुलसी गिलोय अश्वगंधा और कालमेघ के 4-4 पौधे शामिल। झुंझुनू के बिसाऊ में हुआ बारिश के बाद पानी पानी, गैनानी के पाल टूटने से मची अफरा तफरी, लोगों को किया गया दूसरी जगहों पर शिफ्ट, भीकनसर गांव में भी भारी बारिश। अजमेर के सावर में युवा लेखिका का दुनिया में डंका, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और रिमार्केबल वुमेन अवार्ड से हुई सम्मानित, अब बॉलीवुड के लिए लिखेंगी स्क्रिप्ट। डूंगरपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल नियुक्ति के आदेश जारी करने की उठाई मांग। झुंझुनू में मनसा माता मंदिर का भेंट पात्र हुआ चोरी, जंजीर से बंधा पात्र ले गए चोर, पंडित राजेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी सूचना। झुंझुनू के बिसाऊ में नई ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू, पार्षद सुलोचना स्वामी की मौजूदगी में काम शुरू। झुंझुनू में गोद भराई की रस्म में एक रुपया लेकर पेश की मिसाल, 51,000 रुपए वापस लौटाकर लिया एक रुपया। झुंझुनू के डीएलएड परीक्षा देने पहुंची नवजात बच्चों की मां बनी दो महिलाएं, गाड़ी में बैठाकर दिया एग्जाम, परिजनों ने संभाले नवजात बच्चे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर झुंझुनू में लगा रक्तदान शिविर, पूरे महीने होंगे कई कार्यक्रम।
बारा के शाहबाद के सहरिया क्षेत्र में हथकड़ शराब बनाने का धड़ल्ले से जारी खेल कार्रवाई करने से कतरा रहे आबकारी अधिकारी। श्रीगंगानगर के राज सिंह नगर में पालिका उपाध्यक्ष हरीश जावी पर गंभीर आरोप, विभागीय सूचनाओं को लीक करने का लगा आरोप, पालिका कर्मचारियों ने ईओ को सौंपा ज्ञापन। नागौर के मकराना में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर के आहोर में अनावृष्टि से खराब फसलों का सर्वे, टीम ने खातों में जाकर किया रैंडम सर्वे, किसानों को दिया जाएगा तत्कालिक लाभ। झुंझुनू के मंडावा रोड पर लगाया लोगों ने जाम, करीब आधे घंटे तक रही जाम की स्थिति, नालियों का पानी रोड पर बहने से परेशान लोग। भरतपुर के डीक के सामयिक ग्राम पंचायत में जलभराव से परेशान ग्रामीण, सड़कों पर गंदा पानी भरने से घरों से निकलना हुआ दूभर। झुंझुनू के बुहाना में पुलिसकर्मी के निधन पर आर्थिक सहायता, पुलिस कल्याण समिति ने 5 लाख रुपए का सौंपा चेक, कोरोना के चलते अप्रैल में हुआ था निधन। नागौर के मकराना में एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या का आयोजन, डॉक्टर ओम मुंडेल सहित अन्य कलाकारों ने दी प्रस्तुति, विधायक सहित कई लोग रहे मौजूद। बूंदी की डाबी में NH-27 पर खड़ीपुर में पलटी निजी बस, घायल सवारियों को कोटा के अस्पताल में किया गया भर्ती। बारा के किशनगंज में सरपंचों की बैठक, जिला परिषद की सीईओ कृष्ण शुक्ला ने की अध्यक्षता, सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। संदड़ी में लूनी नदी के किनारे लड्डूगिरी महाराज के आश्रम को बदनाम करने की कोशिश, आश्रम से पानी की कालाबाजारी का वीडियो वायरल। झुंझुनू के चिड़ावा में बिना मान्यता चल रहे स्कूल, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन और कार्रवाई की मांग। सिरोही के शिवगंज में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई, जलदाय विभाग की शिकायत के बाद लंबे समय बाद पुलिस ने उठाया कदम। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।